इसराइल सुरक्षा बल ने बड़ा दावा किया है। हमास की हवाई सेना के चीफ आतंकी मुराद अबू को मारने का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसराइल के सुरक्षा बलों की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने बोला है कि हमास के बड़े आतंकी का उन्होंने खात्मा कर दिया है और आतंकी का नाम बताया है मुराद अबू, जो कि हवाई सेना का चीफ है हमास के। तो हमास आतंकी अबू मुराद को मारने का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसराइल सुरक्षा बल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हवाई सेना के चीफ आतंकी मुराद अबू को मारने का दावा किया है। हालांकि हमने देखा कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, जो इसराइल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, हमास उन दावों को नहीं मान रहा है। और भाई, इसराइल का सबसे विकसित शहर है तेल अबीब, लेकिन युद्ध ने तेल अबीब की नाइट लाइफ को ठहरा दिया है। इस वक्त यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर सब कुछ वीरान नजर आ रहा है और लोग इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों को वहाँ पर देख रहे हैं। तेल अबीब शहर की तस्वीरें आपके सामने, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको दिखाई देगा, धुआं उठता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। हमास की तरफ से जो हमले किए गए उसके बाद तेल अबीब पूरी तरह से वीरान दिखाई दे रहा है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ युद्ध की विभत्स तस्वीरें सामने आ रही है और ज्यादातर लोगों को तेल अबीब छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन अचानक जब हमले हुए थे तो उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आप देख पा रहे हैं। तो हमास ने इसराइल को ऐसे जख्म दिए हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।